नमस्कार दोस्तों, आज मैं चार लाइन और चार फंदे का एक खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ। देखिए, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, टॉप में डालिए, बच्चों के स्वेटर में डालिए। ये इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा रहेगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आपको पहुंचे। इसे बनाने के लिए चार के मल्टीपल फंदे चाहिए और तीन फंदा एक्स्ट्रा, ऐसे चार चार फंदे हम गिने तो लास्ट में तीन फंदा बचना चाहिए। बॉर्डर बनाने के बाद पहली लाइन में आप सभी फंदे सीधे बना लेंगे। अब अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो इस लाइन में आप फंदे बढ़ा सकते हैं। रॉन्ग साइड से हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा, तो रॉन्ग साइड में हम एक फंदा उल्टा बुनेंगे और दूसरा फंदा सीधा, तो इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तो इन्हीं दो फंदों को दोहराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बुनते हुए पहली लाइन कंप्लीट की जा चुकी है। अब हम आ गए हैं सामने की तरफ और ये हमारा मेन लाइन है, तो ध्यान दीजिएगा। ऊन को हम अपनी तरफ कर लेंगे और फिर पहला फंदा हमारा सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिर देखिए तीसरा फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुनेंगे। हमने यहाँ पे ऊन अपनी तरफ किया था तो ये जाले जैसा बन गया है, इसे उठाएंगे और इन तीनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ऊन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा। तो इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन हमारा हमारी तरफ रहेगा, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा, फिर सीधा। जाली जैसा बना है इसे उठाएंगे और इन तीनों फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब हमारे तीन के तीन फंदे रह गए। अब अगला फंदा उल्टा, तो फिर से देखिए ऊन हमारा हमारी तरफ है, यानी यहाँ पे हमें जाली देना है। फिर अगले फंदा देखिए सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा है इसे हम उल्टा बुनेंगे, फिर अगला फंदा सीधा है इसे हम सीधा बुनेंगे। हमने जाली देके तीन फंदों को बुना, सीधा उल्टा सीधा। अब इस जाली को हम उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा। अब इन्हीं चार फंदों को हमें फिर से रिपीट करना है, ऊन को हमें अपनी तरफ रखे रहना है और तीन फंदा हमें बुनना है। देखिए ये सीधा है, इसे सीधा उल्टा सीधा, इन तीन फंदों को हम बुन लेंगे, सीधा उल्टा सीधा। अब जो हमने जाली दिया है इसे हम उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, अब ऊन अपनी ओर करेंगे और हम चौथा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इन्हीं चार फंदों को हमें दोहराना है, ऊन को हमें अपनी तरफ रखे हुए ही तीन फंदों को बुनना है, सीधा उल्टा सीधा, सीधा उल्टा सीधा। और अब जाली को उठाना है और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देना है, ऊन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा। जाली दिया, अगला फंदा सीधा बुना, ऊन अपनी ओर, नेक्स्ट फंदा उल्टा, नेक्स्ट फंदा सीधा। तीन फंदों को हमने बुना, अब जाली को उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा। अब तीन फंदे हैं, ऊन अपनी तरफ रखे हुए ही इन्हें बुनेंगे, सीधा उल्टा
सीधा और जाली को और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो हर रॉन्ग साइड में हम पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर सीधा। तो उल्टा और सीधा इन्हीं दो फंदों को हमें पूरी सिलाई में रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा उल्टा बुनना है, एक फंदा सीधा बुनना है। तो इसी तरह बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है। तो पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा उल्टा। अब दो फंदा बुनने के बाद अब हमारा चार फंदे का पैटर्न शुरू हो जाएगा। ऊन अपनी ओर रखे हुए ही अगला फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर सीधा। अब जाली वाले फंदे को उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ऊन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा। दो फंदा छोड़ के इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। ऊन अपनी तरफ रखे रहेंगे और अगला फंदा सीधा यानी जाली देते हुए सीधा, नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर सीधा। अब जाली वाले फंदे को उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, ये तीनों फंदे हमारे बंध गए। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। इन तीन फंदों को हमें बांधना है, इसलिए हमें पहले ऊन अपनी ओर रखे हुए ही सीधा बुनना होगा, यानी जाली देते हुए सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। अब इन तीन फंदों को हमें बांधना है, तो इस जाली को उठाएंगे और इन तीन फंदों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब देखिए तीनों फंदों हमारे बंध गए हैं। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और चौथा फंदा इसे हम उल्टा बुनेंगे। तो इन्हीं चार फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। लास्ट में दो फंदे हैं, तो एक फंदा उल्टा और दूसरा लास्ट फंदा सीधा। तो ये हमारा चार लाइन का डिज़ाइन कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।